अलवर जिले में भी ईदगाह पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। अलवर शहर में नया बास स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। इस दौरान अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव भी नमाज स्थल पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। देखिए, रमजान के पवित्र महीने में इबादत के बाद में आज खुशियों का बहुत बड़ा त्यौहार आया है ईद के रूप में, और हम अपने अकलियत के भाइयों को उनके त्यौहार पर बधाई देने के लिए यहाँ पर ईदगाह में उपस्थित हुए हैं। हमारे शहर के बहुत जाने गणमान्य व्यक्ति राजनीति में बहुत ऊंचे पदों पर रहे, हम सब लोग बधाई देने के लिए आए हैं। और ये त्यौहार है खुशियों से मनाने का, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में और ख़ास तौर पर अलवर में जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है, जब हम दिवाली मनाते हैं तो हमारे मुसलमान भाई हमें आकर के बधाई दे करके जाते हैं। आज हमारा दिन था कि हम आवें और उनकी खुशियों में शरीक हों और उनको बधाई दे के जावें, और उनके साथ में अल्लाह ताला से, ईश्वर से इस बात की दुआ करें कि मुल्क में अमन चैन हो, ज़िले में अमन चैन हो और आपस में भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत हो। आज के दिन ये बात बहुत करने की इसलिए ज़रूरत है कि आजकल मुल्क में इस तरह की शक्तियां हैं जो आपस में भाईचारा ख़त्म करने पर तुली हुई हैं, किसी न किसी बहाने आपस में लड़ाने के लिए फिरका परस्त लोग तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अमन चैन को चाहने वाले और इंसान को इसमें इंसान समझने वाले, मैं तो दिल का डॉक्टर हूँ, मैंने तो बहुत सारे दिल चीर के देखे हैं, मेरे दिल में और सदर साहब के दिल में या काजी साहब के दिल में कोई अंतर नहीं है, वही बनावट है, वैसा ही खून इनकी रगों में है और ऐसा ही खून मेरी रगों में, अगर ग्रुप मिल जाए, मेरा ओ पॉजिटिव है, अगर आपका ओ पॉजिटिव हो तो किसी दिन मेरा खून आपके काम आ सकता है, आपका खून मेरे काम आ सकता है। ये तो इबादत करने का अपना अपना तरीका है, कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ, कोई इस्लाम में पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन में पैदा हुआ, कोई सिख पैदा हुआ, कोई पारसी पैदा हुआ, अपने अपने तरीके हैं। कुल मिला के हर धर्म ये सिखाता है कि आपस में मोहब्बत से रहें, खुलूस से रहें, गरीब की मदद करें, दूसरे का हक नहीं छीनें। मैं समझता हूँ यही जो आज जकात की बात आती है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, रमज़ान से बड़ा क्या त्याग हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक एक पानी की बूंद भी नहीं रहे और यही दुआ करते रहते हैं कि हमसे कोई गलती होगी अल्लाह ताला तो ये हमारे से हमें माफ़ कर, और आगे हमारा दिल दिमाग इतना पाक साफ हो कि हमसे कोई इंसानियत के रूप में कोई गलती ही नहीं हो। ये बहुत बड़ा खुशियों का त्यौहार है, इसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। इस दौरान पुलिस जाप्ता भी चाक चौबंद रहा और घुड़सवार पुलिसकर्मी गश्त करते रहे। वहीं ASP श्याम सिंह अरावली विहार थाना SHO सहित ADM सिटी महेंद्र मीणा भी वहां मौजूद रहे। सुबह करीब 9 बजे नमाज अदा की गई, जहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने खुदा की इबादत में शीश नवाया और अमन चैन की दुआ मांगी, साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। यहां मौजूद मौलाना अहमद अमजद ने मनाए जाने वाले पर्व के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान जमशेद खान और नीलेश खंडेलवाल सहित कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। ये जो है ईद उल फितर का दिन है, बड़ी मसर्रतों का, खुशियों का दिन है, भाईचारा और प्यार मोहब्बत फैलाने का दिन है, और पूरे महीने के 30 या 29 रोजे रखने के बाद में ये त्यौहार आता है। 29 रोजे होकर भी कई बार चांद हो जाता है तो ईद हो जाती है, तो इस बार जो है 30 रोजे पूरे हुए, उसके बाद चांद हुआ, फिर आज हम सब ने मिलजुल कर ईद मनाई है पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। और हम जो है इस ईद सईद के मौके पर, इस ईद की खुशी के मौके पर तमाम जिले वासियों को, तमाम बिरादरियों को, तमाम देशवासियों को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अमजद, इमाम ईदगाह नयाबास अलवर। ईदगाह के बाहर काफ़ी भीड़ नजर आई। यहां ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नमाज के लिए नयाबास ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की।